हेलो स्टूडेंट मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर आज हम बच्चों एमटीएस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले है, हैं प्रीवियस एस क्वेश्चन जैसे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि मैम एमटीएस का पेपर आने वाला है तो कुछ सेशन आप एम के एग्ज़ाम्स के लिए ले लो यानी कि प्रीवियस एस क्वेश्चन पे ले लो तो स्पेशली उन्हीं बच्चों की डिमांड पर मैंने ये सेशन आज ले रही हूँ सो so, आप बच्चे डेली बेसिस पे क्लासेस ज़रूर लो और जो भी मैं आपको बच्चों समझाती हूँ तो आप उसको हर एक पॉइंट को लिखो क्योंकि हर एक पॉइंट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखो ये 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 क्वेश्चन आपके प्रीवियस केवल के के हैं बट इसका मतलब नहीं कि ये के लिए ही इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि सेम एरर आपको सीजीएल में भी आ सकती है आपके सी एच एस एल में भी आ सकती है सीपीओ में भी आ सकती है क्योंकि ग्रामर तो ग्रामर ही है वही सीजीएल में है वही, वही सीपीओ में है वही स्टेनो में है तो आप सभी बच्चे इस सेशन को लेना ना भूले चलिएगा कर स्टार्ट करते सेशन को सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे द क्लब आर ऑर्गेनाइजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप फॉर बिगनर्स ये क्वेश्चन आपके एम का है जो पांच दस 2021 में पूछा गया है जो पांच दस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है देखो इसमें क्या है कि आप देख सकते हो एक पार्ट को अंडरलाइन करके दे रखा है एक पार्ट को अंडरलाइन करके दे रखा है जितना पार्ट अंडरलाइन है उसके लिए नीचे आपको आपको तीन रिप्लेसमेंट दे रखी सबसे पहले एक चीज चेक करनी है बच्चों कि अंडरलाइन पार्ट करेक्ट है या नहीं इसलिए चेक करना है क्योंकि नीचे एक नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड ऑप्शन दे रखा है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का मतलब है कि वो पार्ट सही भी हो सकता है तो अगर वो सही है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टिक करेंगे और अगर उसमें कोई भी एरर है तो इन तीनों में से रिप्लेसमेंट चेक करनी है कि कौन सा उस पार्ट को रिप्लेस करेगा तो चलेगा स्टार्ट करते हैं अगर हम बात करें बच्चों क्लब की तो क्लब एक सिंगुलर सब्जेक्ट है क्लब बच्चों कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर और आप बच्चे जानते हैं कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब भी कैसे यूज करते हैं सिंगुलर हम वॉब भी कैसे यूज करेंगे बच्चों सिंगुलर क्या आर की बात करें आर सिंगुलर वॉब है तो आर कैसी वॉब है बच्चों प्लुरल हम जानते हैं कि हम कभी भी प्लुरल वर्ब का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे तो अब वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे तो वहां यूज करेंगे हम सिंगुलर वर्ब अब देखो सिंगुलर वर्ब क्या होती है सेम टेंस से रिप्लेस करना है इज सेम टेंस से रिप्लेस करना है क्योंकि हमें कोई भी ऐसा टाइम नहीं दे रखा कि हम उसको फ्यूचर में चेंज कर दें यानी कि हम इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को नहीं कर सकते सो so, इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा दूसरा कैन बी ऑर्गेनाइजिंग विल ऑर्गेनाइज तो यानी कि यहां पर हम लोग वैसे भी इस केस को यूज कर ही नहीं सकते बिकॉज ये सब आपके फ्यूचर में यूज होते हैं चलेगा नेक्स्ट आते हैं। देयर आर वेरी लिटिल पीपल्स इन दिस वर्ल्ड हु क्वेश्चन एम क्वेश्चन एमटीएस का ही है जो 6 दस 2021 में पूछा गया है 6 दस 2021 में पूछा गया है देखो बच्चों पॉइंट क्या आता है आपको चेक करना वेरी लिटिल पीपल्स करेक्ट है या नहीं क्योंकि अगेन एक ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन मिला आप देखो पॉइंट क्या आता है मैंने एक सेशन लिया था फ्यू और लिटिल के बीच में डिफरेंस पे मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था फ्यू कब कब आता आता है है लिटिल तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने मेरे उस सेशन उसको देखने के बाद आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे यानी कि आप कभी भी इनकरेक्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन जिनमें फ्यू और लिटिल का डिफरेंस पूछा गया हो और जिन्होंने नहीं भी देखा है वो जरूर देखिए और अभी मैं आपको एक बार समझा जरूर देती हूँ वो क्या है कि जब हम फ्यू की बात करते हैं आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम जब फ्यू की बात करते हैं तो फ्यू का यूज होता है बच्चों वहां जहाँ होता है काउंटेबल का जहां पर केस होता है बच्चों काउंटेबल काउंटेबल का मतलब होता है जिसे आप वन टू थ्री के फॉर्म में काउंट कर सकते हो और लिटिल का यूज हम वहाँ करते हैं लिटिल का यूज हम वहाँ करते हैं जब बात करते हैं हम अनकाउंटेबल की और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम वन टू थ्री की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते जिसे हम वन टू थ्री के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते अब यहाँ पर यही पॉइंट है हम सबसे पहला पॉइंट तो पीपल्स नहीं होता पीपल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है पीपल अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है दूसरा पीपल प्लूरल है बट काउंटेबल है काउंटेबल है तो लिटिल का यूज नहीं होगा और लिटिल का अगर बच्चों यूज नहीं होगा तो यहां पर नो no रिक्वायर्ड भी नहीं होगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड भी नहीं होगा क्योंकि पीपल इज अ प्लुरल वर्ड एंड प्लुरल वर्ड यानी कि काउंटेबल एंड काउंटेबल का मतलब लिटिल नहीं होगा दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मच की तो मच भी वहां पर आता है जहा पर क्वांटिटी की बात की जाती है बच्चों मैं देखो इस क्वेश्चन में आपको अदर पॉइंट्स भी समझाती चल रही हूँ ताकि आपको अगर इनसे क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इजीली कर सको दूसरा हर एक पॉइंट को आप लिखते हुए चलेंगे मैं आपको इतना डिटेल में समझाती हूँ हर चीज समझाती हूँ क्यों यूज कर रहे हैं क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हर एक पॉइंट को जरूर लिखते चला करें देखो पॉइंट क्या है मच का यूज वहां होता है जहां क्वांटिटी की बात होती है मच का यूज वहां होता है जहां पर क्वांटिटी की बात होती है एंड क्वांटिटी उन्हीं की होती है जो अनकाउंटेबल होते हैं क्वांटिटी उन्हीं की होती है जो अनकाउंटेबल होते हैं जिन्हें आप 1 2 3 के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि जो काउंट हो सकते हैं वहां पर हम सेम केस में मैनी का यूज करते हैं मैनी इज यूज फॉर नंबर्स नंबर्स इज़ फॉर और वो भी कैसा नंबर प्लुरल अब यहां पर ये दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए जब भी आप बच्चे सेंटेंस इंप्रूवमेंट को करें तो आप हमेशा एलिमिनेशन को ही लगाएं वो सबसे बेस्ट होता है क्वेश्चन को करने के लिए तो यहाँ पर आपको सिंपल ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर मच का यूज नहीं करेंगे हम मच का यूज नहीं करेंगे और तीन ऑप्शन खत्म बचता एक ही ऑप्शन है वो क्या है हमारा फर्स्ट वेरी फ्यू पीपल वेरी फ्यू पीपल जो मैंने अभी आपको समझाया कि कि फ्यू का यूज होता है काउंटेबल के लिए और लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते बच्चों देयर वॉज मैनी पीपल हु जो सात दस दो हजार इक्कीस ये वॉज ये करेक्ट है या नहीं आपको चेक करना है कि ये वॉज करेक्ट है बच्चों, या फिर ये गलत है देखो पॉइंट क्या है सिंपल यहाँ पर मैं आपको एक बात चीज बताती हूँ वो क्या है बचो कि here and there, कि जब भी बात करेंगे आप बच्चे हियर एंड देयर की आप जब भी बात करेंगे आप बच्चों ने बहुत बार हियर एंड देयर को बहुत बार हियर एंड देयर को यानी कि बहुत बार आपने हियर एंड देयर को क्या देखा होगा बहुत बार आप बच्चों ने हियर एंड देयर के साथ इज भी देखा होगा और आर भी वॉज भी देखा होगा और वर भी यानी कि हेयर एंड देयर एक ऐसा केस है जिसको देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वो आएगी आएगी या क्योंकि अपने है वर भी तो यानी कि ये वो केस होते हैं बच्चों जिनके साथ दोनों टाइप से आती है सिंगुलर भी और प्लुरल भी तो आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे इस केस में कभी भी हियर एंड देयर डिसाइड नहीं करता यहाँ पर वर्फ के बाद जो यूज होने वाला वर्फ के बाद जो यूज होने वाला नाउन है वो डिसाइड करेगा कि आपकी वर्फ किस फॉर्म में यूज होगी अगर वो नाउन आपका काउंटेबल सिंगुलर है अगर वो नाउन आपका काउंटेबल सिंगुलर है तो वो अपने साथ वो भी सिंगुलर लेकर आएगा वो अपने साथ वो भी सिंगुलर लेकर आएगा और अगर वो नाउन काउंटेबल प्लुरल है तो वो अपने साथ वो भी प्लूरल लेकर आएगा अगर वो नाउन काउंटेबल प्लुरल है तो वो भी प्लुरल ही लेकर आएगा और अगर वो नाउन आपका काउंटेबल की जगह अनकाउंटेबल है काउंटेबल की जगह बच्चों अनकाउंटेबल है तो आपको ध्यान रखना है यहां पर काउंटेबल की जगह आपका अनकाउंटेबल है तो आप ध्यान रखेंगे वहां पर वो भी सिंगुलर ही लेकर आएगा वो भी कैसे लेकर आएगा सिंगुलर यानी कि अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं इसीलिए उनके साथ जो वो यूज होती है बच्चों हमेशा सिंगुलर यूज होगी तो वहां पर वो भी कैसी आएगी सिंगुलर यही चीज यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर है वो क्या है हमने मेनी पीपल देखा many आपके प्लूरल को बताता है और was आपके सिंगुलर को बताती है तो हमें यह क्लियर हो गया कि यह बिल्कुल गलत है यह गलत है सो हम देख सकते हैं हम यहां पर एक चीज देख सकते हैं वो क्या है कि देयर वाज गलत है देयर वाज गलत है सो यहां पर हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को केस ऑप्शन को टिक करेंगे फर्स्ट क्योंकि जहां देयर वाज होगा वहीं एरर होगी जहां देयर वाज होगा वहीं एरर होगी तो यहां पर हम वाज के जगह हम क्या यूज करेंगे वर चलेगा वर किसके अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं मैनी पीपल के अकॉर्डिंग चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप चेक करना है बच्चों यहां पे सुमित है डिसाइडेड टू बॉट हिज कार

For the picnic his car कौन सा पार्ट यहाँ पर गलत है अब यहाँ पर सुमित है डिसाइडेड सुमित कर रहा है कार उसी की है तो बिल्कुल सही है हैज के साथ वोफ की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है बट पॉइंट क्या आता है टू ब्रॉड का यूज होगा या नहीं तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी टी ओ टू आता है जब भी बच्चों टी ओ टू आता है तो वो अपने साथ ना तो कभी सेकेंड फॉर्म लेकर आता है और ना ही कभी थर्ड फॉर्म वो ना तो कभी सेकेंड फॉर्म लेकर आएगा या तो फ्रेजेस के लाइक एडिक्टेड टू व्यू टू टू कुछ ऐसे फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम टू के साथ आई लगाते हैं अदरवाइज हम जब भी टी ओ टू को देखेंगे तो हम हमेशा वर्व की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं हम हमेशा वर्व की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं एंड ब्रिंग की ब्रिंग की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो ब्रॉट होती है बच्चों ब्रिंग की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है बच्चों ब्रॉट होती है ब्रिंग की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो ब्रॉट होती है तो यहाँ पर हमारी एरर है फर्स्ट पार्ट पे सो दैट्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आई रेंग अपन आपके एम टी एस का है जो सात दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया है जो सात दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया है क्वेश्चन है देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है आपको चेक करना है यहाँ पर डजेंट करेक्ट है या नहीं पिक आउट करेक्ट है या फिर नहीं इस पॉइंट को आपको चेक करना है है कि क्या doesn't pick out correct है या नहीं क्योंकि यहाँ पे एक नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन भी दे रखा है और वो नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन आप तभी टेक करेंगे जब वो पार्ट बिल्कुल करेक्ट होगा यानी कि अंडरलाइन पार्ट आपका बिल्कुल सही होगा तो आप नो no सब्सटीट्यूशन को टिक कर देंगे देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है बच्चों वो पॉइंट क्या है रिंग की सेकेंड फॉर्म रैंक होती है हमने एक पॉइंट सीखा था कुछ क्लास पहले मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था एग्जाम में बहुत बार एरर आती है सीक्वेंस ऑफ टेंस को लेकर मैंने आप बच्चों को समझाया था कि एग्जाम में बहुत बार एरर आती है सीक्वेंस ऑफ टेंस को लेकर कि जैसा आपका फर्स्ट क्लास होगा वैसा ही आपका सेकंड भी जाएगा क्लॉज का मतलब जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वो अपना सब्जेक्ट और अपनी वो, अगर ये प्रेजेंट है तो वो भी सेम और अगर ये पास्ट है तो वो भी पास्ट जैसा ये होगा वैसा ही ये होगा यही क्वेश्चन में पूछा गया है रैंक पास्ट को बताता है क्योंकि ये वर्फ की है सेकंड फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म इज यूज ओनली इन पास्ट इनडेफिनेट। पास्ट इनडेफिनेट। ये हमारी यूज होती है पास्ट इन में बट अगर मैं की बात करूं तो आपके प्रेजेंट को बताता है और ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा तो पास्ट में और आधा प्रेजेंट में या तो वो पास्ट में होगा या फिर वो प्रेजेंट में होगा सो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये डजेंट बिल्कुल यूज नहीं होगा और ये यूज नहीं होगा तो इट मींस नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड तो हमारा आंसर ऑप्शन होने वाला नहीं है अब इज भी प्रेजेंट में है तो ये भी नहीं होगा ठीक है अब पिक करने का काम कौन कर रहा है शी अब हम जानते हैं डिड भी पास्ट में वाज भी पास्ट में बोथ आर यूज्ड ओनली इन पास्ट टेंस डिड भी पास्ट में आता है वाज भी पास्ट में आता है अब हमारे माइंड में डाउट आएगा कि हम सेकेंड को टिक करें या फिर फोर्थ को टिक करें बिकॉज़ दोनों ही तो पास्ट को बता रहे हैं बच्चों बिकॉज़ ये दोनों ही तो आपके टेंस को बता रहे हैं तो अब आपको एक चीज समझ लेनी है आपको बच्चों पॉइंट क्या है यहां पर पिक करने वाला कौन है शी तो यहाँ पर दो केस आते हैं एक्टिव और पैसिव मैंने एक सेशन लिया था सेंटेंस को पहचाने सेकंड्स में इज इन एक्टिव एंड पैसिव बहुत ही इजिएस्ट वे में मैंने आपको समझाया था पहचान सिखाई थी और वहां पर मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि जो जो होती होती हैं, ये दो तरह से को नहीं आती या तो आई एन जी आएगा उनके साथ या फिर थर्ड फॉर्म आएगी इसके अलावा उनके साथ कुछ भी यूज नहीं होता अगर वॉस के साथ थर्ड फॉर्म दी है वॉस के साथ थर्ड फॉर्म दी है इट मीन पैसिव अब पैसिव कब होता है जब सेंटेंस की स्टार्टिंग परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से ना हो परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से ना हो तभी पैसिव होगा बट यहाँ तो पिक करने वाली शी ही है तो यहाँ पर तो सेंटेंस हो गया एक्टिव और एक्टिव होगा तो वाज के साथ आईएनजी यूज होता है होगा बट थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी तो इसीलिए आप इसको पास्ट में कट करेंगे सो so, एलिमिनेट करने के बाद ओनली फर्स्ट एक ही ऑप्शन बचा है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन है डिडेंट पिक अप डिडेंट पिक अप चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों श्रीलेखा इज मिसेस मिस्टर सिंह्स डॉटर मिस्टर सिंह्स डॉटर ये एसएससी एमसीएस का क्वेश्चन है जो 12 10 2021 में पूछा गया है 12 10 2021 में सिंग्स डॉटर daughter. Daughter noun. सिंग भी noun. अब देखो एक पॉइंट समझना आप बच्चे सभी बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं देखो एक होता है हमारा पोजीशन और पोजीशन से बनता है हमारा पसेसिव केस जो आपकी ऑनरशिप को बताता है ठीक है उन का जब भी पसेसिव बनाना है नाउन का जब भी पसेसिव बनाना है और वो नाउन आपका कैसा है लिविंग नाउन का लिविंग केस दिया है और आपको पसेसिव केस बनाना है तो आपको ध्यान रखना है उसमें आप नाउन में यूज करेंगे एस, आप नाउन में यूज करेंगे एपोस्ट्रॉफी एस और जैसे ही आप नाउन में जैसे ही आप नाउन में एपोस्ट्रॉफी, जैसे ही आप नाउन में एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं तो ये आपके नाउन को बना देता है, है पसेसर ये आपके नाउन को बना देता है पसेस्टर जैसे मैं आपसे बोलूं रोहन्स बुक मैं आपसे बोलूं रोहंस बुक यहाँ पर बुक किसकी है रोहन की इस बुक पर ऑनरशिप किसकी है रोहन की पसिसिफ का मतलब पोजीशन ही तो है बच्चों पोजीशन मतलब होता है जो आपको आपका अधिकार बताए मैंने बोला दिस इज रीनाज मार्कर दिस इज रीनाज बुक तो बुक किसकी है रीना की माकर किसका है रीना का तो अधिकार भी किसका होगा रीना का ही तो होगा तो यानी कि ये आपके पोजिशन यानी कि आपकी ऑनरशिप को बताता है तो के अंदर आपको ध्यान रखना है हम सिंगल एस नहीं लगाते हम सिंगल एस नहीं लगाते यहां पर लगाते हैं एपोस्ट्रॉफी एस अब एक ऑप्शन में एस के बाद भी एपोज दे रखा है तो आपको मैं इसके साथ साथ ये वाला पॉइंट भी बता देती हूँ अगर कोई भी नाउन आपका एस और पे खत्म है है, और यानी कि जैसे बॉयज गर्ल्स, स्टूडेंट्स और इनका हमें पसेसिव बनाना है तो आपको ध्यान रखना है इनका हमें पसेसिव बनाना है तो आप बच्चे ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप एपोस्ट्रॉफी एस का जगह जो यूज करने वाले हैं वो आप यूज करेंगे ओनली एपोस्ट्रॉफी आप एपोस्ट्रॉफी एस के जगह जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एपोस्ट्रॉफी आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे एपोस्ट्रॉफी के साथ एस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये एस पे खत्म है ऑलरेडी खत्म है एस पे और डबल कुछ भी ग्रामर में यूज नहीं होता तो अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी एस पे खत्म है तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे आप एपोस्ट्रॉफी यूज नहीं करेंगे so इसीलिए ये वाला ऑप्शन खत्म ये ये भी भी खत्म, खत्म, पे है, ये खतम, तो ये बनेगा आपको एक-एक हो -एक हो रहा होगा, और देखो पढ़ते-पढ़ते कभी-कभी हम हम बहुत हो जाते हैं, हैं, है ना? क्योंकि पढ़ रहे हैं। तो अपने आप को ना मोटिवेट रखा करो पढ़ते हुए हर चीज देखो हर चीज में ना पॉजिटिव चीजें देखो कुछ भी होता है अगर देखो हमारा ये सब चीज ना बच्चों हमारे माइंड सेट पे डिपेंड करती है हमारा माइंड अगर नेगेटिव है तो हर चीज में हमें नेगेटिविटी दिखाई देगी हमने माइंड को पॉजिटिव कर रखा है तो हर जगह देखेंगे हम तो हमेशा अपने पॉजिटिव रखो अपने आस पास का जो माहौल है उसे भी पॉजिटिव रखो यानी कि नेगेटिविटी से जितना दूर रहोगे उतना ही आप अपने एम पे फोकस कर पाओगे क्योंकि जब दिमाग शांत होता है ना तो हम हर चीज कर पाते हैं जब दिमाग शांत होता है तो हम हर चीज कर पाते हैं क्योंकि में क्या होता है? वो कहीं कहीं ना हमारी स्टडी को हमारी लाइफ को जरूर क्या करता है प्रभावित करता है अफेक्ट करता है मैंने वो पढ़ाई देने अफेक्ट एंड इफेक्ट और उसका हमारी पढ़ाई पर पड़ता है इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है इफेक्ट और वो हमारी पढ़ाई और हमारी लाइफ को करता है अफेक्ट। so, देखो क्या है कि जो सीख रहे हो ना उसको अपनी स्टडी में यूज क्या करो बोल आम वाल भाषा में भी यूज करो क्या दिक्कत है यूज़ करो ना, भाई हम और में जानते है ना? एक नाउन तो हमारी स्टडी को करेगा अफेक्ट हमारी लाइफ को करेगा अफेक्ट और हम पे डालेगा इफेक्ट हमारी स्टडी पे डालेगा इफेक्ट तो जितना आप कनेक्ट करके करोगे चीजों को उतना चीजें ज्यादा जल्दी याद होती हैं चलेगा नेक्स्ट आते क्वेश्चन ये एमटीएस का क्वेश्चन है बच्चों जो 12 दस 2021 में पूछा गया है 12 दस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है द सन इज वेरी लार्ज देन कंपैरिजन हो रहा है सन और अर्थ के बीच में कंपैरिजन हो रहा है सन और अर्थ के बीच में देखो तीन डिग्री होती है एक होती है पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री का यूज हम वहां करते हैं जब हम बात करते हैं किसी एक पर्सन की क्वालिटी की मैंने बोला निखिल एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो हम सिर्फ निखिल की बात कर रहे हैं तो हम इंटेलिजेंट का यूज कर रहे हैं हम ब्रेव का यूज कर रहे हैं हम वाइज का यूज कर रहे हैं लेकिन उसके बाद आती है आपकी कंपैरेटिव कंपैरेटिव की बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम वहां करते हैं बच्चों जब भी हम बात करते हैं कंपैरिजन की जब भी हम बात करते हैं कंपैरिजन की कंपैरिजन होगा बट दो के बीच में कंपैरिजन होगा बट दो के बीच में मैंने बोला निखिल एंड रोहित में निखिल इंटेलिजेंट है तो यानी कि अब हम मैं केवल निखिल की बात नहीं कर रही हूं मैं निखिल के साथ रोहित की भी बात कर रही हूं और उन दो में से बता रही हूं एक को इंटेलिजेंट तो कंपैरिजन हो रहा है कंपैरिजन हो रहा है दो के बीच में तो हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री एक की क्वालिटी है पॉजिटिव दो के बीच में कंपैरिजन है कंपैरेटिव और वही कंपैरिजन दो से ज्यादा है तो सुपरलेटिव सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री जो एक ग्रुप के लिए भी यूज होती है

अनकंपैरेटिव में हम या तो मोड़ लगाते हैं बच्चों या फिर हम उसमें ई ER आर और आर लगाते हैं या फिर उसकी फॉर्म ही बदल जाए गुड से बेटर बेस्ट सो यहाँ पर लार्ज में हम आर और ई आर ऐड कर सकते हैं तो आर और ई आर ऐड कर सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे लार्जर क्या लिखेंगे बच्चों लार्जर और लार्जर के साथ देन आएगा इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा इसीलिए जो हमारा आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा वेरी लार्जर देन और हम इतने तीन ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें एज आ रहा है इसमें मच आ रहा है तो होगा वेरी लार्जर देन अर्थ चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ये एम का इक्कीस का क्वेश्चन है आई ऑलवेज स्टेज एट अ होटल क्वेश्चन जो चौदह दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया है चौदह दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया क्वेश्चन है आपको ये चेक करना है ऑलवेज स्टेज करेक्ट है या नहीं आपको चेक करना है ऑलवेज स्टेज करेक्ट है या फिर नहीं देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है बच्चों सिंपल हम बात कर रहे हैं ऑलवेज की ऑलवेज ऑफन ठीक है ये सब चीजें प्रेजेंट को बताती हैं अनप्रेजेंट इन डेफिनेट को बताती हैं अनप्रेजेंट इन के अंदर आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम दो चीजों का यूज करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है इन अफॉर्मेटिव सेंटेंस तो हम यूज करेंगे वॉफ की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस जैसे कम से कम्स गो go से गोस लर्न learn से लर्नस टीच teach से टीचेस और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर की जगह प्लुरल है तो वहां यूज करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वहां पर यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एक ऐसा प्रोनाउन है जो ना तो पूरी तरह से सिंगुलर है और ना ही पूरी तरह से प्लुरल आपने बच्चों आई के साथ वाज भी देखा होगा वाज इज अ सिंगुलर वर्ब आपने आई के साथ हैव हाँ भी देखा होगा हैव हाँ इज अ प्लुरल वर्ब आपने आई के साथ एम भी देखा होगा जो ना तो सिंगुलर होती है और ना ही प्लुरल होती है यानी कि आई का करैक्टर डिफाइन ही नहीं है इन इंग्लिश ग्रामर एंड प्रेजेंट इंडेफिनेट में आई काम करता है प्लुरल का और जब आई प्लुरल का, का काम करेगा तो फिर वो अपने साथ कभी भी एस और ई एस को लेकर नहीं आएगा तो आई आए के साथ हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ की फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म लिखेंगे बच्चों? की फर्स्ट तो तो पर इसीलिए इसीलिए हमें टिक करना पड़ेगा stay. तो जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो हमारा फोर्थ होगा हम एम और एम का यूज नहीं करेंगे और नो no सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता बिकॉज वहां पर वो ऑलरेडी इनकरेक्ट है चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एमटीएस का ही क्वेश्चन है 27 10 2021 देखो ये एमटीएस वाले स्टूडेंट्स की डिमांड पर क्लास ली जा रही है सो so आप बच्चे बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को करो जो मैं आपको सिखा रही हूँ प्रीवियस इयर्स اسئله करा रही हूँ क्योंकि एसएससी के अंदर प्रीवियस इयर्स का बहुत ही मेजर रूल है बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो जितना हो सके आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो देखो पॉइंट क्या आता है बच्चों पे अर्थ वर फ्लैट रादर देन राउंड आपको चेक करना है कि क्या ये वर्ग करेक्ट है या नहीं चेक करना है कि क्या ये वर्ग करेक्ट है या नहीं अर्थ की बात करें अर्थ इज सिंगुलर सब्जेक्ट और जब भी सिंगुलर की बात करते हैं बच्चों तो सेम टेंस में सिंगुलर के साथ हम वॉज लिखते हैं अर्थ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर की बात करें, तो वर आपकी वर्ब है। और आपको ध्यान रखना है सेम टेंस में सिंगुलर के साथ आता है वॉज एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आता है वर प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आता है वर तो जैसे ही आप बच्चे देखें जैसे ही आप बच्चे सिंगुलर सब्जेक्ट को देखें तो आपको ध्यान रखना है आप वॉस का यूज करेंगे वर्ड का यूज नहीं करेंगे आपके माइंड में एक डाउट ये तो आ, ये तो क्लियर है आपको कि नो सब्स्टिट्यूशन विल भी नहीं होगा बट आपके माइंड में एक डाउट जरूर आएगा कि हैज भी तो हो सकता है हैज भी सिंगुलर ही है बट आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी एडवोव ऑफ टाइम आपको नहीं दिया हुआ है कि आप पास्ट को प्रेजेंट में चेंज करें तो जब तक आपको एडवोव ऑफ टाइम पास्ट को प्रेजेंट के लिए या प्रेजेंट को पास्ट के लिए या प्रेजेंट को फ्यूचर के लिए ना दिया गया हो तब तक आप बच्चे टेंस को चेंज नहीं करेंगे इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे सो तो इसीलिए हम हैज को यूज नहीं करेंगे हैज सिंगुलर है बट नो टाइम इज गिवन टू चेंज द टेंस तो इसीलिए हम यहां पर प्रेजेंट में हम उसको बदल नहीं सकते चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा अगर आपको कोई भी चीज रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जो भी आपकी जैसे भी जरूरत हो आप जरूर बताएं ताकि आपके पास वो सारी चीजें मिल सकें आपको एस एस बुलेट चैनल से जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट हो जो आपकी और देखो बच्चों मैं आपसे फिर एक ही बात बोलूंगी जरूर कि पढ़ो रेगुलर पढ़ो धीरे पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो डेली बेसिस पे छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ बट उनको अचीव करो मोटिवेशन कॉन्फिडेंस सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए एक सक्सेसफुल पर्सन के अंदर हर चीज होती है एक अपनी तरफ अपने लिए वो पूरी तरह से मोटिवेट रहता है दूसरा उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा होता है हर चीज कॉन्फिडेंस हो बट ओवर कॉन्फिडेंस ना हो बोलते ना ऑलवेज बी स्मार्ट बट डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट

ग्यारह दस दो हजार इक्कीस में पूछा गया क्वेश्चन है एमचेस का द टूर्नामेंट हैव बीन कैंसल अब देखो पॉइंट क्या आता है टूर्नामेंट इज अ केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट अगेन पॉइंट क्या आता है सिंगुलर सब्जेक्ट है अब दूसरा पॉइंट आता है बीन की बात करें बीन दो केस को लेकर आता है एक तो थर्ड फॉर्म और एक ing form. एक third form और एक और तब तब आएगा जब जब होगा, होगा. आएगी अब सेंटेंस कैसा दे रखा है बच्चों एक्टिव या पैसिव सेंटेंस तो पैसिव दे रखा है भाई टूर्नामेंट कैंसिल खुद तो होगा नहीं करने वाला कोई और होगा मैंने आपको सेशन कराया था ना एक सेशन लिया था मैंने सेकंड्स में पहचाने सेंटेंस इज इन एक्टिव एंड पैसिव उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि कैसे एक्टिव और पैसिव को पहचानना है सेकंड्स में क्योंकि एक वर्ड डिसाइड कर देगा आपका सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है who है आपका सब्जेक्ट परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट है तो एक्टिव परफॉर्मर ऑफ द एक्शन से स्टार्ट नहीं है तो पैसिव बस सिंपल सा पॉइंट है

तो इसीलिए हमारा सेकंड भी नहीं होगा तो बसता क्या है हमारा ऑप्शन फोर्थ तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन हैज बीन कैंसल्ड आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर भी हुआ होगा और आपने नोट भी किया होगा हर एक पॉइंट को नोट करना है ठीक है मेरे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को जरूर आप बच्चे जरूर लिखेंगे और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और आप हमारे चैनल एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब करना ना भूले डेली बेसिस पे क्लासेस लो मेहनत करो लग के तैयारी करो ये ईयर बड़ा ही गोल्डन ईयर है क्योंकि इस ईयर में आपके बैक टू बैक एग्जाम है तो उस चीज का उस अपॉर्चुनिटी को क्या करो एडवांटेज लो एडवांटेज का मतलब है फायदा उठाओ सिलेक्शन लो इंस्पेक्टर बनो इस साल ठीक है सो अच्छे से लग के तैयारी करो और सेलेक्शन लो यही मैं चाहती हूँ इसीलिए आपके साथ मेहनत भी कर रही हूँ डेली बेसिस पे आपके अकॉर्डिंग चीजें भी कोशिश कर रही हूँ करने की सो so, आज के लिए इतना रखें सो थैंक यू स्टूडेंट